हांसी शहर में सफाई अभियान चलाने निकले भाजपा नेताओं में हड़ताली सफाई कर्मचारियों के साथ झड़प हो गई और सफाई कर्मचारियों ने भाजपा नेताओं के हाथों से झाड़ू छीन लिए और जेसीबी मशीन के आगे चढ़कर सफाई अभियान को रुकवा दिया। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार रामचंद्र व सब इंस्पेक्टर विक्रम जोशन ने सफाई कर्मचारियों को सफाई अभियान में बाधा न पहुंचने की चेतावनी दी, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने पुलिस की एक नहीं सुनी और अभियान को रुकवा दिया। 2 घंटे तक सफाई कर्मचारियों ने मुल्तान कॉलोनी चौक पर जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये आज सुबह कुछ शहर के प्रबुद्ध नागरिक इकट्ठे हुए थे, जिसके तहत है ना नगर स्वच्छता मंच का गठन किया गया था। नगर स्वच्छता मंच में शहर के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे समाज से भी है, प्रबुद्ध व्यक्ति है ना, वो एकत्रित हुए थे। उन्होंने निर्णय किया कि जब तक सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है, तब तक हम ये प्रयास करें कि जहाँ बड़े कूड़े के ढेर इकट्ठे हुए हैं, जो किसी बीमारी का कारण बन सकते हैं, उनको क्यों ना इनको डिस्टर्ब ना करते हुए ये अपनी हड़ताल जो इनकी मांग है वो अपनी करते रहें। लेकिन हम लोग इनसे किसी प्रकार का टकराव भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो ये बड़े पॉइंट जो बन गए हैं ये साफ हो जाए, ताकि बीमारी फैलने का खतरा जो है बना हुआ है ये दूर हो जाए। हमें सफाई से एलर्जी नहीं है, हमें अपनी मांगों से समाधान चाहिए। सामाजिक संगठन जिस आज हड़ताल के टाइम पे सफाई करने आ रहे हैं, जिस टाइम पूरे शहर में कचरा फैल रहा होता है, ये कर्मचारी भी सफाई कर लेते हैं और अपने अपने घर से कूड़ा उठा के बाहर भगा देते हैं, तब सामाजिक संगठन कहा जाते हैं। पानी की समस्या को लेकर सामाजिक संगठन नहीं बात करते। हमारे हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर काम करते हैं, 20 डॉक्टर होने चाहिए, उस टाइम ये सामाजिक संगठन कहाँ चले जाते हैं? पीने के साफ पानी का प्रबंध नहीं है शहर में, उस टाइम सामाजिक संगठन कहाँ चले जाते हैं? रोडवेज के लिए बसों की व्यवस्था नहीं है, उस टाइम सामाजिक संगठनों की क्या जिम्मेवारी नहीं बनती है? हम सामाजिक संगठनों के साथ हैं, अगर सामाजिक मुद्दों को साथ लेते हुए लड़े, हमारा सर्व कर्मचारी संघ उनके साथ लड़के काम करेगा। मतलब संगठन आपके साथ नहीं चल रहे, आप उनके साथ? हम उनके साथ 24 घंटे जाने को तैयार हैं, अगर समाज की समस्याओं को लेकर सामाजिक संगठन लड़े तो। ये अकेला सामाजिक संगठनों का मुद्दा नहीं है, ये सर्व कर्मचारी संघ का भी मुद्दा है। विभागों में 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, हमारे को रोजगार के नाम पे लड़ाया जा रहा है। सूचना एसडीएम साहब से मिली है कि भैया आप वहाँ ड्यूटी में स्टेट हो और वहाँ सफाई करानी है हांसी शहर में, तो इसलिए आए थे। जो प्रशासन ने तो आया अपना काम करना है, जो आए हैं जिन्होंने सफाई करनी थी, जो उनकी आपसी में बैठ के इनसे कर्मचारियों से जो सफाई वाले हैं उनसे सहमति हो सकती है, तो जैसे वो उनके साथ।